रोहतक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार साफ नजर आ रहा है कि इस बार कांग्रेस की जीत की तरफ रुझान साफ है। चार तारीख को परिणाम आने हैं, कितना उत्सुक दिखाई दे रही कांग्रेस? देखिए, मैं तकरीबन पूरे हरियाणा में मैं गया और जो लोगों का रुझान देख रहे हैं उसके तरफ से साफ नज़र आ रहा है कि लोगों का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है और उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ उसके आधार पे कि क्लीन स्वीप भी हो सकती है। जिस तरह से किसान आंदोलन हुए, खिलाड़ियों के आंदोलन हुए, क्या ये भी एक मुख्य वजह रही सरकार के खिलाफ? नहीं, किसान का ये है जो इनका वायदा था 2022 तक आमदनी दुगनी करेंगे, आमदनी दुगनी तो करी नहीं, लागत कई गुना बढ़ा दी, तो किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, व्यापारी कर्मचारी सब परेशान है सरकार से, चाहे शहरी होते हैं ग्रामीण हो, तो इस वास्ते हर वर्ग का, हर छत्तीस बरादरी का रुख कांग्रेस की ओर है। जो सोनीपत से भाजपा के प्रत्याशी हैं, भाजपा के प्रत्याशी उन्होंने गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं, तो फर्जी वोट करने के आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि भीतरी घात हुआ। भीतरी घात का तो मैं क्या बता सकता हूँ, उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन जहाँ तक फर्जी बात है, ये फर्जी बोगस हो या कोई पोलिंग हो तो ये उस समय पोलिंग एजेंट होते हैं, हर कैंडिडेट होता है, वहाँ एतराज़ होना चाहिए, उसका निवारण होता है। ये मेरे ख्याल में हरियाणा में पहली बार हुआ है जहाँ कोई रिपोल नहीं हुआ, पूरे इलेक्शन में शांतिप्रिय ढंग से हुए ये, और ये हरियाणा के लोगों को मैं हार्दिक मुबारकबाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। नहीं, आमतौर पर चुनाव पर घट जाती है, बड़ा शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है और ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है, उसको वहाँ कंप्लेंट करनी चाहिए। सत्ता पक्ष होते हुए उनकी सरकार प्रदेश में थी, उसके बावजूद सरकार के अलावा इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल होता है, इलेक्शन एजेंट होते हैं, वहाँ पोलिंग एजेंट होते हैं, उन्हें कितनों ने ऐतराज़ किया, क्या हुआ, क्या उसका निवारण इलेक्शन कमीशन करता है, इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वो कह रहे कि अधिकारियों ने गड़बड़ की है, उसी को लेकर चार पांच अधिकारी ऐसे भी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है, और बड़े स्तर पर जो बदली, जो अधिकारियों का ट्रांसफर है वो भी ऐसा है। ये भाषा जो है बौखलाई हुई भाषा है, मतलब ये साफ कहता है कि वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि ये तो खुद स्वयं लड़ रहे हैं चुनाव, वहाँ कितने पोलिंग एजेंटों का ऐतराज़ किया उन्होंने, कहाँ किया, किसके यहाँ किया, इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला किया, रिटर्निंग अफसर हैं, उनके कानून है, कायदा है। पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मर्यादित भाषा नहीं है, वो अपनी अलग भाषा। देखिए, कोई भी अगर उच्च पद पर बैठा हो तो मर्यादित भाषा तो होनी चाहिए। जब से चुनाव शुरू हुए लगभग 75 दिन का समय है और आज सातवें चरण के मतदान के लिए प्रचार समाप्त हो गए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 400 बार का नारा लगाया था और बीच पर चुनाव जा रहा था, लेकिन आज स्थिति यह है, लोग ये पूछ रहे हैं कि सरकार किसकी बनी थी। नारा तो बहुत आसान है लगाना, यहाँ भी हरियाणा में तो 75 बार लगाया था नारा, क्या हुआ, आधी आई, कह चुका हूँ 400 पार नारा, वो तो सबका प्रेरोगेटिव है, आपकी अपनी पार्टी के उसकी वो है, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन असलियत ये है कि साउथ में तो साफ है, नॉर्थ में बीजेपी हाफ है, बीजेपी का गिर गया ग्राफ है। सर, जिस तरह से सरकार अल्पमत में आ रही है और चुनाव के बाद में यदि कांग्रेस केंद्र में कांग्रेस आती है तो क्या हरियाणा में भी जो जोड़ तोड़? नहीं, कोई भी हो केंद्र में, किसी की भी सरकार हो, लेकिन जो कोई भी सरकार, हरियाणा सरकार अल्पमत में है, इसका कोई नैतिकता के आधार पे कोई सरकार में रहने का कोई नहीं आधार है, मॉरल ग्राउंड पे इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए या गवर्नर साहब को डिसॉल्व करके दोबारा चुनाव कराना चाहिए। आप मानते हैं कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं विधानसभा? कराने चाहिए, जब माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रही है तो, हमने तो मांग की है, चुनाव कराओ। आप तैयार, कांग्रेस तैयार? हम तैयार।